वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम दो प्रकार के श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। एक समांतर श्रेणी जो अभी पढ़े हैं, अब गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक मेन। ठीक है, तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी किसे बोलते हैं, मैं बता चुका हूं। गुणोत्तर श्रेणी जिस प्रकार समांतर श्रेणी में डिफरेंस होता है यानी कि अंतर होता है, तो जैसे कि मैं समांतर श्रेणी से गुणोत्तर श्रेणी को कंपेयर करूं तो 2, 4, 6, 8, 10 ये समांतर श्रेणी है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें दो दो का गैप है। ठीक है, सब में दो प्लस होते जा रहा है, ये दो से प्लस दो हुआ तो चार हुआ, फिर प्लस दो हुआ फिर छह, फिर प्लस दो तो आठ, यानी कि इसमें सर्वांतर मिलता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। लेकिन अगर मैं गुणोत्तर श्रेणी का बात करूं तो उसका जो श्रेणी होगा कुछ 2, 4, 8, 16 कुछ ऐसा श्रेणी बनेगा। ठीक है, यानी कि इसमें सर्वांतर नहीं सर्व अनुपात बनेगा यानी कि कॉमन रेशियो। जैसे कि हम समांतर श्रेणी में सर्वांतर को डी बोलते थे, तो डी कैसे निकालते थे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो उसी प्रकार गुणोत्तर में हमें सर्वांतर नहीं सर्व अनुपात निकालना है। तो सर्व अनुपात को आर से डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, दूसरा पद बट्टे पहला पद, यानी कि समांतर श्रेणी में हम माइनस करते थे दूसरे पद से पहला पद को। ठीक है, अब हमको भाग करना है, तो इसका हमें अगर सर्वांतर निकालना होगा, सॉरी सर्वांतर नहीं सर्व अनुपात निकालना होगा, तो क्या करेंगे, दूसरा पद क्या है 4 और पहला पद क्या है 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो सभी में 2 इसमें गुना होते जाएगा। देखिए 2 से 2 गुना करूंगा 4 होगा, फिर उससे 2 गुना करूंगा 8, फिर 2 गुना करूंगा 16, तो ऐसा ये बढ़ते जाएगा, ये श्रेणी बनते जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब आते हैं व्यापक पद के बारे में। जैसे कि हमारे पास समांतर श्रेणी में व्यापक पद था an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये था, वैसे ही हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी में है an इक्वल टू ar n माइनस 1। ठीक है, ये व्यापक पद है। तो व्यापक पद याद रखेंगे, an इक्वल टू ar, a क्या है प्रथम पद, r क्या है कॉमन रेशियो यानी कि सर्व अनुपात, 4/2 करूंगा 2 आएगा, 8/4 भी करूंगा फिर भी 2 आएगा, 16/8 करूंगा तो 2 आएगा, यानी कि 2 होगा r, और n क्या होगा इस श्रेणी में पदों की संख्या माइनस 1, तो यहां से हमें ये व्यापक पद मिला। अब देखते हैं, ये तो व्यापक पद हो गया, व्यापक पद हमारे किस काम आता है कि इस श्रेणी का कोई भी पद हम निकाल लेंगे, इसका जो 99 पद क्या होगा इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कुछ बोल दिया कि इसके 99 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए योगफल का सूत्र होना चाहिए। तो देखिए योगफल का सूत्र क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी में, हमारे पास समांतर श्रेणी में योगफल का सूत्र क्या था कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये था। उसी प्रकार योगफल गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, देखिए यहां पे दो कंडीशन होगा, पहला और दूसरा। पहला क्या होगा, अगर अगर r का मान बड़ा होगा 1 से तब क्या होगा, और अगर r का मान छोटा होगा 1 से, दो चीज हो सकती, या तो r का मान 1 से छोटा होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, जब r का मान बड़ा होगा 1 से तब क्या होगा, एस एन, ठीक है, n पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी में बराबर a गुना r का पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1। ठीक है, इसको याद रखना, जब r बड़ा होगा तो r पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, तो a गुना r का पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1। उसी प्रकार जब r छोटा होगा 1 से, यानी कि r का मान कुछ फ्रैक्शन में आएगा 0.3, 0.5 ऐसा कुछ होगा, तो फिर क्या होगा, एस एन बराबर ए इंटू, अब एक पहले आएगा आर बाद में आएगा, तो एक माइनस आर का पावर एन बट्टे एक माइनस आर। तो ये तीन सूत्र हमें याद रखने की जरूरत पड़ेगा। अब देखिए, हम समांतर श्रेणी जब पढ़े थे तो हम क्या पढ़े थे कि समांतर माध्य, ठीक है,
समांतर माध्य पढ़े हुए थे। समांतर माध्य क्या होता था, जैसे कि ए और बी ये दो संख्या है, ये दोनों का समांतर माध्य हमें निकालना था, तो हम क्या करते थे, ए प्लस बी बाई टू ये करते थे, तो यहां से हमें समांतर माध्य निकल जाता था। ये तो हो गया अर्थमेटिक सीरीज का, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक में, ठीक है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी का क्या होगा, जैसे कि ए और बी दो नंबर है, ये दोनों के बीच का हमें समांतर माध्य की जगह अब गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो गुणोत्तर माध्य, तो देखिए ए और बी दो नंबर है, दो संख्या है, उसका गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो क्या होगा, इसको हम जी एम बोलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन बराबर वर्गमूल ए बी, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें कोई प्रश्न पूछ दिया कि सात और नौ के बीच का समांतर माध्य निकालिए, तो हम क्या करेंगे, ए को सात मानेंगे और बी को नौ मानेंगे, तो क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक में, यानी कि गुणोत्तर माध्य रूट ए बी, तो रूट सात गुना नौ, तो ये जो भी आएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सात निया तिरसठ, तो रूट तिरसठ इसका उत्तर आ जाएगा। अब आते हैं प्रश्नावली 9.3, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, हमें गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है 5/2, 5/4, 5/8 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हमें इसका बीसवां पद और एनवा पद ज्ञात करना है, ठीक है। A20 यानी कि क्या होगा, बीसवां पद, और AN यानी कि एनवा पद, ये हमें ज्ञात करना है, तो ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें प्रश्न से क्या क्या मिल रहा है। तो पहला पद यानी कि A क्या है, पहला पद 5/2, ठीक है। और फिर जैसे कि समांतर श्रेणी में हम D निकालते थे, ठीक है, सर्वांतर, वैसे ही गुणोत्तर श्रेणी में R निकालते हैं, सर्व अनुपात, ठीक है। तो R का सूत्र क्या होता है, A2 अपॉन A1, इसमें भाग होते हैं, समांतर श्रेणी में माइनस होता था, ठीक है। तो A2 अपॉन A1, तो A2 यानी दूसरा पद क्या है, 5/4, तो 5/4 अपॉन A1, A1 क्या है, 5/2। अब देखिए दोनों को भाग करना है, तो ये दोनों भाग में ये ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, तो 5/4 गुना, और अंश हर में चले जाएगा, हर अंश में चले जाएगा, तो जो हर में है दो वो अंश में चले गया और अंश का हर में आ गया, ठीक है। तो 5 और 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आया R। अब हमें बीसवां पद निकालना है, तो हम A20 निकाल लेते हैं, A20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला हमारे पास व्यापक पद का सूत्र है, AN इक्वल टू क्या होता है, AR n-1, यही होता है। तो A यानी कि पहला पद क्या है, 5/2, R क्या मिला है हमें, 1/2, और R का पावर n-1, तो N यानी कि कुल कितना पद है, तो देखिए N के जगह हमें क्या रखना है, 20 रखना है, क्योंकि 20वां पद निकालना है, तो ये व्यापक पद का सूत्र है, तो ये हो जाएगा A 20 का सूत्र क्या हो जाएगा, N के जगह 20 रख देंगे, तो 20-1, तो 5/2 गुना, अब देखिए 20 में 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 19, तो 1 का पावर 19 / 2 का पावर 19, 1 का पावर 19 तो 1 ही आएगा, इसलिए ब्रैकेट ओपन किया, तो 1 का 1 ही लिखा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे ऊपर में अंश में तो 5 एकम 5 ही रहा, अब यहां पे क्या हुआ, देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, दोनों आपस में गुणा में है, ठीक है, आधार सेम है दोनों का 2, तो इसका घात क्या हो जाएगा, जोड़ जाएगा, प्लस होगा, तो 2 इसका घात कुछ नहीं है, मतलब यहां पे 1 है, तो 1 धन 19 क्या हो जाएगा, 20, तो 5/2 का पावर 20, ये आ गया 20वां पद, यानी कि A20। अब इसी तरीके से हम दूसरा निकाल लेते हैं, AN, तो AN यानी कि क्या हुआ, ये व्यापक पद ही होगा, N के जगह हमें N ही रखना है, तो देखते हैं AN इक्वल टू AR n-1, ये होता है। अब हमें AN निकालना है, तो N के जगह N ही रहेगा, A क्या है इस श्रेणी में, 5/2, तो ये हो गया 5/2 गुना R क्या है, 1/2, और N के जगह तो N ही रहेगा, तो n-1 ही होगा। अब AN इक्वल टू, अब मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे 5 गुना 1 का पावर n-1, तो 5 से कुछ भी, सॉरी, तो 1 का घात कुछ भी हो, ठीक है, आएगा तो 1 ही, तो फिर ये हो जाएगा ऊपर का 5 और नीचे का, देखिए यहां पे 2 है लेकिन
यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर n-1। अब देखिए ये दोनों का घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि आधार सेम है, तो 2 का घात 1 धन n-1, -1 + 1 कट गया, बचा क्या, 2 का पावर n, तो an बराबर 5/2 का पावर n, ये हो जाएगा nवां पद, तो ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a12 ये हमें ज्ञात करना है, जिसका 8वां पद 192, तो 8वां पद 192 दिया है, इसका मतलब a8 = 192, ये हमें दिया हुआ है, तथा सर्व अनुपात 2 है, तो सर्व अनुपात मतलब क्या होता है r, तो हमें r भी दिया हुआ है 2। तो देखिए ये प्रश्न कैसे बनेगा, हमें a12 चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं a12 का सूत्र क्या होगा, तो n की जगह हमें 12 रखना है, तो व्यापक पद क्या होता है a r n-1, तो n की जगह क्या है 12, तो 12-1 क्या हो जाएगा 11, तो a r 11, तो इसके लिए हमें a की आवश्यकता पड़ेगी, a दिया है क्या, नहीं दिया है, हमें a यहां से निकालना होगा, ठीक है, और r दिया है क्या, तो r हमें दिया है लेकिन a की आवश्यकता पड़ेगी, तो ठीक है हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम हल करते हैं, a8 को हम क्या लिख सकते हैं a r 7, ये लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 192। अब a के जगह ये तो a दो हमें ज्ञात करने हैं, तो a अननोन रहेगा, r हमें दिया हुआ है 2, तो 2 का घात 7 = 192। अब a चाहिए, तो a एक तरफ बाकी सब एक तरफ, 192/2 का घात 7, तो 192/2 का घात 7 क्या होगा 128, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, तो a का मान क्या हो गया 3/2। अब देखिए हमें a पता है, r पता है, तो a12 हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, तो a12 बराबर, इसका सूत्र क्या हो जाएगा ar, और 12 से एक कम n-1, यानी 12-1 क्या हो जाएगा 11, तो a का मान हो जाएगा 3/2, और r हमें दिया हुआ है 2 का घात 11। अब देखिए यहां पे 2 का घात 11/2 का घात 1, ये दोनों आपस में भाग में है और आधार दोनों का सेम है, तो जो घात है वो माइनस हो जाएगा, तो 11 में 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 10, तो गुणा 2 का घात 10, तो 3 × 2 का घात 10 क्या होता है 1024, इसको हम गुणा करेंगे क्या होगा 4 × 12 = 2, ^2 = 3 × 6 = 7, 8, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 12 = 2 = 1, 3 × 6 = 6, 1 = 7, और 0 × 0 = 3, 1 = 3, तो a12, अतः 12वां पद 3072 होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः PQS है। तो देखिए 5वां पद यानी कि A5 P दिया हुआ है, और 8वां पद यानी कि A8 Q दिया हुआ है, और 11वां पद यानी कि A11 S दिया हुआ है, ठीक है, तो दिखाइए कि Q का स्क्वायर बराबर PS, ये होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें दिया क्या है A5 = P, A8 = Q, A11 = S, तो ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है वो हम बनाते हैं। हम एक काम करेंगे कि LHS RHS दोनों तरफ को हल करेंगे, ठीक है, दोनों साइड को हल करते हुए चलेंगे, और लास्ट में LHS और RHS को बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो Q का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखते हैं Q का मान क्या है, तो Q का मान क्या है A8, तो A8 ये हो गया, Q की जगह मैं A8 लिख सका, उसका स्क्वायर यानी कि ये हो गया उसका स्क्वायर बराबर P, तो P का मान क्या है A5, तो A5 गुना S, तो S का मान क्या है A11, तो A11 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला को मैं एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला का प्रसार क्या हो जाएगा, A8 गुणोत्तर श्रेणी में क्या हो जाएगा AR7 होगा, क्योंकि देखिए A8 का फॉर्मूला क्या होगा,
ए आर एन माइनस वन, एन क्या है आठ, तो आठ में एक घटा देंगे कितना बचेगा सात, तो ए आर सेवन, तो ए एट के जगह में ए आर सेवन लिख सका, और इसका वर्ग बराबर ए फाइव, तो ए फाइव क्या लिख सकूंगा ए आर का पावर फोर, ठीक है, फिर गुना ए इलेवन ए आर का पावर टेन। अब देखिए हम इसे हल करेंगे, तो ये जो वर्ग है वो ब्रैकेट खुलने के बाद ए के साथ क्या हो जाएगा ए का वर्ग हो जाएगा, और r का घात सात है उसमें से दो और गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सात दुनी चौदह बराबर, इस तरफ देखते हैं a गुना a क्या हो जाएगा a का वर्ग r का घात चार गुना r का घात दस। तो देखिए यहाँ पे बेस यानी कि आधार बराबर है जो कि r है, तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो चार धन दस क्या हो जाएगा चौदह। अब देखिए LHS RHS दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो LHS बराबर RHS अतः सिद्ध हुआ। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक चार, तो देखिए प्रश्न क्रमांक चार क्या दिया हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, ठीक है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसका चौथा पद यानी कि ए चार योग चौथा पद वो बराबर है किससे, उसी के दूसरे पद यानी कि ए टू के वर्ग का, ठीक है, ये जो चौथा पद है वो बराबर होगा इसके दूसरे पद के वर्ग का, तो ए फोर बराबर ए टू का वर्ग, ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार हम लिख लिए। अब देखिए आगे क्या दिया है, तथा प्रथम पद माइनस तीन है, तो प्रथम पद हमें दिया हुआ है माइनस तीन यानी कि ए दिया हुआ है माइनस तीन, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए, सातवां पद यानी कि ए सेवन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमें ये सातवां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो हमें दिया हुआ है उसी को हम हल करते हैं, तो ए फोर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र हमें पता है ए आर, और एन की जगह चार है तो एन माइनस एक क्या होगा चार माइनस एक तीन, तो ए आर तीन लिख सकेंगे इसको, ए टू को क्या लिख सकेंगे ए आर बस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, तो आर का पावर वन, तो आर ही लिखेंगे इसको, और इसका वर्ग इसको हल करते हैं, तो ए आर का घन बराबर, देखिए इसको ओपन करता हूं तो ए का पावर टू आर का पावर टू, हमें r का मान चाहिए क्योंकि a का मान तो दिया हुआ है, r का मान के लिए हम क्या करेंगे a को सबसे पहले हल करेंगे, तो यहां से एक a कैंसिल हो जाएगा, ये एक a कैंसिल हो गया, ठीक है, ये r स्क्वायर और ये r क्यूब खाली r हो जाएगा, तो एक r बचेगा, तो r बराबर यहां से खाली a बचा a हुआ, ठीक है, यानी कि r और a का मान बराबर है, और हमें प्रश्न में a का मान दिया हुआ है माइनस तीन, तो r बराबर a का मान रख देते हैं माइनस तीन, R और A दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा जो कि माइनस तीन है। अब हमें देखिए हमें A सेवन ज्ञात करना है यानी कि सातवां पद, तो A सेवन बराबर क्या होगा इसका सूत्र A R छः, ये होगा बराबर A, A क्या है माइनस तीन, तो माइनस तीन गुना R क्या है माइनस तीन का पावर छः। अब देखिए ये दोनों का आधार बराबर है माइनस तीन माइनस तीन, तो आधार सेम है तो इसका घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो एक और छह ये क्या हो गया सात, तो माइनस तीन का घात सात, तो देखिए यहाँ पे जो घात है वो विषम संख्या है तो माइनस तो आएगा, तीन का घात सात क्या हो जाएगा तीन को सात बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा दो एक आठ सात, तो ये आ गया सातवां पद उस श्रेणी का, ये हो गया उत्तर।